पंडित जी का न्योता दे दिया। पंडित जी महाराज जी मना जी, अब पंडित जी ने सोचा भाई सेठ आदमी अच्छा तगड़ा राशन मिलेगा खाने का, दो दिन पहले खाना पीना छोड़ गया, जगह बनानी शुरू कर दी। दो दिन बाद में पहुंच गया लाला जी की, तो बेचारा कंजूस आदमी तीन वे डबल टोंड की थैली पाट रहा दूध की, उनमें चावल घेर का खीर बना दी, थोड़ा हचूरमा चारमा करके मतलब कुल मिलाकर पंडित जी का आगे धर दिया सामान। पंडित जी ने करके हरिओम दो चार मार के छिट्टे शर ला गया, छूट गाण दो जी सबके में साफ कुणबा खड़ा खड़ा देखा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगी नहीं। अब खड़ा होकर चलने लगा पेट पानी में, छो तो आ रहा लाला जी ने रुपये 10 रुपये देने लगा। अब पंडित जी बोलिया सेठ जी 10 का के जमाना रह रहा, 10 रुपये कौन ले है। अब लाला जी ने छो तो आ रहा था बोलिया के नाम अब पंडित जी रुपये दूंगा 10,000, एक काम कर दे बोलिया कहने को मारे घर में 1 किलो के रसगुल्ले और दे हूं ना और खा जा 10,000 रुपये दूंगा। बोले 10,000 देगा, बोले एक बार दिखा दे कोड कोड है। अब देख कर बोले 1 मिनट मैंने 20 मिनट का समय देते रहिए, अभी खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा पक्की शर्त लगा ली। बोला सुन ले जा नहीं खाए गए तो 15,000 तेर पते ले लूंगा लाला। बोला अब बोला 20 मिनट का समय दे पक्की शर्त लगाया करूँ। 20 मिनट बाहर जाकर आया वापिस आकर बोला हाँ अब आने दे उस डब्बे ने। 15 मिनट लगाई चरखा हचा लिया 1 मिनट में साफ, बोला ले रुपये गिन दे। अब लाला जी ने रुपये तो दे दिए, बोले भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तू यो 20 मिनट में ईशा के कर का आ गया, सब के आगे सूत बांध दिया के कर दिया। वो बोला ना आपा कच्ची शर्त नहीं लगाया करते, पक्की शर्त लगाया कर। बोला करके दिया 20 मिनट में सब के आना सूत बगाया। बोल भाई मैं देबू हलवाई का गया 100 रसगुल्ले पहले खा के चेक करे खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, तो इसे ईश रास आदमी पड़े हैं। आइए आगे। वो एक बार एक आदमी की घराली उस तरह कन्यू गोपिया जी ओ पति देव तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूं, तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी नहीं तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेकर देख तू। माँ वो साढ़े दिन घर तक बाहर चला गया, घरवाली न दाऊ गच्चू चूरमा बनाया दाऊ खीर बनाई, और आन में जान बूझ के लेट हो गया, और लेट होकर के काम करा घर की जो चौखट होया कर मेन दरवाजा उसमें टांग फंसा के और उल्टा नू लटक गया जो मर गया। अब घरवाली बाहर आई हाथ उथ लगा के देखा नु कहे यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया किसका के कर गया, चालवा खीर ठंडी हो रही है। खा पी के बाहर आई या घर रोने लगी नु गायर बर्बाद होगी रांड होगी। अब पड़ोसी आगे सुन के नुके हो गया यो मर गया, नुक मर गया तो चाल इसने फूक खाओगे। अब एक आदमी बोला अब इसकी टांग चौखट में ही डाल फंस रही है के तो चौखट पाड़ी जा और के इसकी टांग काटी जा। वालू गाई बोली नु गोशाणा चौखट कुण लगवा होगा टांगा नहीं कतर दे। अरे लटकिया लटकिया सोचे नु रांड करेगी काम छोटा को ना। अब इतनी देर में एक शाना हाँ बुढ़ा था वो आया आख बोला अरे तेरा पति था तेरे आद्यंग का साजी था यो तो मर गया, पर केवरा इसकी आत्मा सुनती हो इस तक कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। अच्छा करूं सुजा का कान में नु गोपिया जी ओ पति देव आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो, आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो, वो कौन सा मर जाता काट का टांग होकर सीधा न्यू खीर तो खा गई लपा लप थोड़ा चूरमो भी चखो। न्यू एक बार एक गांव की सारी सासु इकट्ठी होकर हरिद्वार गंगा नहाने जाती। अब रास्ते में सिस्टम ऐसे बैठे हो बस पलट गई सारी सासु खत्म। अब सारे गांव की बहू इकट्ठी हो रही रोन लग रही हुई उमाचरी, एक आधी सच में रो एक आधी झूठे थूक लगा रही सारी रो है। 2 घंटे रोई 2 घंटे रो गए सारी चुप होगी, एक बहू सब तक ना रो चुप ही ना हो। अब उसका बगल वाली बहू जाके उसका कूनी मारी नुकाए बाण सासू तो मारी भी मरी थी पर तेरी सासू के सोने की थी तो चुप ही ना होती। वाह बोली बाण मनु ना रो मेरी सासू मर गई। बोला और बोल मनु रो सुख मेरे लिए ना घर छोड़ आई उरे लिया थी वकी बेचते से जाती तो बेरा नहीं पाटता कून क्यों रो है। एक रागनी आपके बीच में सुनाऊंगा उपदेशात्मक रागनी होगी, रागनी का बोल समझने वाले के लिए कति काटेगे जो किस प्रकार से आइए।